नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धुरिया। राजस्थान के जालोर जिले के महेशपुर गांव में शनिवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी एक बस तार की चपेट में आ गई, जिसके बाद पूरी बस में करंट दौड़ने से बस में सवार 6 यात्रियों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि कुल 17 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों को जालोर से जोधपुर के MDM अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी के घायलों का वहीं अस्पताल में इलाज जारी है। जालोर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर छगन लाल गोयल ने बताया कि घटना शनिवार रात 10:30 के आसपास की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। बस से घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP शर्मा ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि यह बस रास्ता भटक कर गांव के बीच आ गई थी। महेशपुरा के निवासी घनश्याम सिंह ने बताया कि यात्रियों से भरी ये बस मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी, लेकिन रात में रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने की वजह से बस महेशपुरा गांव में घुस गई। गांव में 11 KV की लाइन के बिजली का तार बस से टच हो गया, जिसके चलते बस में आग लग गई। बिजली का करंट लगने से बस में आग लग गई थी। बस में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की मदद ली गई। आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बस में फंसे कई यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बस ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी 4 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय BJP सांसद देवजी पटेल ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जालोर के महेशपुरा गांव में बस के तार की चपेट में आ जाने से आग लगने के कारण कई यात्रियों के हताहत होने का दुखद समाचार मिला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं दुर्घटना में घायल यात्रियों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।